हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रियल फूडी। मैं आपका रियल फूडी साहिब मलिक एंड आज का जो एपिसोड है इंतहाई कोई मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक असली और नस्ली एनर्जी ड्रिंक। वो कोई कॉकटेल नहीं है, ना ही क्या कहते हैं कि आप ये कह लो कि रेड बुल है, ना ही स्टिंग है। ये फुल एक इंतहाई असली और नस्ली किस्म की आप ये कह लो एनर्जी ड्रिंक है, जो मतलब आप ये कह लो कि देसी है। ठीक है, अब देसी किस तरह है वो मैं आपको उधर उनसे भी पूछ के बताऊंगा। एक्चुअली मैं सरदाई की बात कर रहा हूँ। आपको इस तरह ये पता है यार, गर्मियाँ गर्मियों में सरदाई जैसी चीज़ हो और बंदा वो पिए और मज़ा ना आए, ऐसी तो पॉसिबल नहीं है। तो आज किस एपिसोड में मैं आपके साथ सरदाई की मेकिंग शेयर करूँगा, लोगों के रिव्यूज़ बताऊँगा और उसको खुद भी पी के बताऊँगा कि ये कैसी है, किस तरह बनाई जाती है और ये इसका गिलास कितना है। तो अभी अंदर चलते हैं, चल के इनके साथ कुछ गपशप लगाते हैं। तो आज ये फूडीज अंदर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अफजल है। कच्ची कोठी रेवन रोड पर हमने दुकान लगाई, डेरा गाजी खान की मशहूर सरदाई घोटा बेदाम है। ये खालिस है और इसमें देसी जड़ी बूटियां हैं। जो भी पिए और अपने दोस्तों को भी पिलाएं, इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा। और हमारे ग्राहक बहुत ही अच्छे पसंदीदा करते हैं, जो भी बोलता है हमारी सरदाई बहुत ही अच्छी है। इंशाल्लाह आप अपना दोस्तों को भी पिलाना और हमारी सरदाई के बारे में बताना। तो जी जनाब, फाइनली मेरी सरदाई आ गई है, सरदाई रेडी है, मैंने कुछ थोड़ी सी पी भी ली है। तो अब मैं इसको आपके साथ शेयर करता हूँ, देखते हैं कि सरदाई कैसी है। तो ये जो मेरा बड़ा गिलास है, ये था 50 रुपए का, छोटा 30 कैप, और अब इसको पी के देखते हैं। आहा, इंतहाई मज़ेदार और इतनी कुछ शदीद ठंडी है और मज़ेदार है। जो इसके अंदर बादाम है, बादाम आ रहे हैं, इलायची का जायका है, और इसके बाद जो सौंफ थी, सौंफ से जो फ्लेवर इसका इन्हेंस हो रहा है, तो वो बहुत मतलब ना मज़ा करवा रहा है। कॉकटेल इतने महंगे होते हैं यार, लेकिन मैं कहता हूँ कि कॉकटेल का भी ना प्यो है ये, समझ लो। और मैं कहता हूँ कॉकटेल, उसके बाद रेड बुल स्टिंग को छोड़ो, इसके ऊपर आओ, ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और स्पेशली जितने भी ऑलमोस्ट डॉक्टर्स हैं, हकीम हैं, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। और जिस तरह भी गर्मियाँ चल रही हैं, तो मैं कहता हूँ गर्मियों के लिहाज से फुल मज़ेदार चीज़ है। आप यहाँ पर आओ, इसको पियो और इन्जॉय करो। फ्रेंड, फाइनली अब मैं पहुंच चुका हूं घर। और जहां तक सरदाई की बात है, सरदाई यार फुल मज़ेदार थी, और जो उसके इंग्रेडिएंट्स थे सारे, मैं कहता हूं फ्लेवर, मज़े और पैसे उन इंग्रेडिएंट्स के थे। अगर आप ये कह लो कि इंग्रेडिएंट्स जिस तरह के थे, लाइक फुल नेचुरल थे, उसमें आलमंड था आपका, उसके बाद आपका क्या था, आलमंड थे, उसके बाद इलायची थी, सब्ज़ इलायची, ब्लैक पेपर थी, तो मतलब जो इनका एक कॉम्बिनेशन बना था बहुत मज़ेदार थे, एक डिफरेंट चीज़ थी। एंड जिस तरह की अगर भी समझ चला, तो एक आपके लिए एनर्जी और रिफ्रेशिंग ड्रिंक थी।
थोड़ी डिफरेंट थी, लाइक जिस तरह बाकी चीज़ें पीते हैं, स्कल्बी वगैरह, इंडिया के बुखारे का शरबत, तो ये उससे काफ़ी हटके और फुल पावरफुल मतलब ये ड्रिंक थी। और सबसे जो अच्छी बात थी कि आपकी आंखों के सामने बनाते हैं, और सेकेंडली जो बहुत इकोनॉमिकल थी, जस्ट 50 रुपीज में बड़ा गिलास और 30 रुपीज में छोटा गिलास। तो मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस इट वॉज टू गुड। एंड अभी मैं यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब और सब्सक्राइब कर दो। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके रेस्टोरेंट का विजिट करूं, इसी तरह का कोई वीलॉग शूट करूं या प्रमोशन करूं, तो नीचे मेरा जीमेल आ रहा है, आप मुझे यहां पे अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके मैसेज का जरूर रिप्लाई करूंगा। एंड नाउ फॉर दिस टाइम टीम रियल फूडी के साथ शाहिद मलिक, अल्लाह हाफिज। We all have our burdens, yeah, but we just keep on fighting that we never